भाई दुश्मन मुल्क इतना बढ़िया, उनको किंग्स की तरह वेलकम मिला, 9000 सिक्योरिटी उनके साथ लगा रखी, होटल में जाते ही उनका इस्तकबाल इस तरीके से हुआ, आपने देखा वो भगवा माला वाला भगवा मालाएं भी पहनाई गई उनको, बड़ा इज्जत से मिला। उसके बाद एयरपोर्ट पे आप देखिए पुलिस वाले जिस तरीके से बात कर रहे हैं शाहिन शाह अफरीदी से, नॉनसेंस। ये तो बड़ा मैंने गलत, मतलब मैं इनफैक्ट देखिए इस वक्त मैं ट्वीट ही कर रहा हूँ, इट्स अ नो बॉल। ज़ाका अशरफ वो कहते हैं ना कि मतलब अब मैं क्या, वो एक वो छोड़ो छोड़ो लैंग्वेज क्या यूज करनी, मुंह खोला है समझ गया बोल के ये कर दिया। ऑपुलेंस के अंदर हॉस्पिटैलिटी आप देख लो, कितनी बढ़िया, आपने खुद देखा सिक्योरिटी जो उनको मिली हुई है, आपने कल देखा कि उनको रात को बिरयानी चल रही है वहां पे, हैदराबादी बिरयानी चल रही है, उनका मेन्यू आपने बताया जिसमें पता नहीं बटर चिकन में तो पता नहीं क्या क्या। 24 घंटे पहले उनकी टीम को जो रिसेप्शन मिली हैदराबाद में पाकिस्तान, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप नहीं कह रहे, उनके प्लेयर्स कह रहे हैं, उनके प्लेयर्स कह रहे हैं। और मैं बताऊँ आपको ये ज़ाका अशरफ तो आग लगा, इतनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी, बिल्कुल किंग्स की तरह ट्रीटमेंट मिल रहा है पाकिस्तान के लिए, इन्होंने स्पेशल 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 प्रोविजंस करा के दिया। आप खुद होटल में रह रहे हो भाई, एक चीज ये बता दूं, लक्षित उसी होटल में है जहां पर पाकिस्तानी टीम है, एक होटल का हिस्सा ही उन्होंने अलग कर दिया है, एक होटल उस होटल का एक हिस्सा जहां पर पाकिस्तान की टीम है, 5-star होटल है पाक हयात, उसके अंदर एक पूरा का पूरा सेक्शन, वहां पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता, पूरा पाकिस्तानी टीम को दे दे कि जैसे एम्परर्स बादशाह होते हैं ना कि भैया ये आपकी जगह होगी। कल को मैं कहता हूं 1921 कुछ हो गया, द मोमेंट वहां पे बैठ के आप कह रहे हो कि हमारे प्लेयर दुश्मन मुल्क जा रहे हैं और यहाँ पर 140 करोड़ लोग जो है वो सुन के मैं कहता हूँ व्हाट इफ, व्हाट इफ कुछ 1921 को ऊंच नीच हो गई तो जिम्मेदारी किसकी होगी? आप तो मतलब किसकी है यार, मतलब मैं हैरान हूं। ये छोड़ो यार, अब प्रॉब्लम क्या होती है ना, हम लोग यहाँ से एक्चुअली हमारी भी गलती है, हम लोग ना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करते हैं जो नहीं करनी चाहिए, मैंने अंदाजा लगाया। How can someone say all this यार? हम तो यार अक्सर यही बात कहते हैं ना कि खेल खिलाड़ी ये वो सो, यहाँ से तो यही बोला जाता है, वहां से भी कि जी, और अगर आप प्लेयर्स से पूछो, फॉर्मर प्लेयर्स, ये जी देश को जो आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स है ये सब चीजें जो है इनको दूर रखो खेल को। ज़ाका अशरफ ने ये बता दिया है कि एट द एंड ऑफ द डे वो भी एक तरह से पॉलिटिशियन ही है, और इतना इररिस्पॉन्सिबल कमेंट, मैं बोल रहा हूँ कोई आम आदमी जिसको पता नहीं समझ ना हो या उसके अपने इमोशंस हो वो कह दे, ज़ाका अशरफ वो पीसीबी चेयरमैन बन चुके हैं, इतनी बार दोबारा बनने की तैयारी हो रही है, बन चुके हैं, ही कह रहे थे हिमसेल्फ वेरी वेल यार, एशिया कप से पहले एशिया कप के दौरान कोई ऐसा मतलब कोई स्टेट यार, ये कोई बात बनती है? ये बोलना ज़ाका अशरफ साहब का बहुत ज्यादा गलत मैं कहूंगा यार, क्योंकि यहाँ पर आज मुझे वो मिले जो अपने शिकागो चाचा खान चाचा जी ने कहा जाता है, इतने प्यार से वो मिले, हालांकि उन्होंने मेरे को पहचाना स्पोर्ट्स तैयारी के जरिए, पिछले साल स्पोर्ट्स तैयारी पर एशिया कप में वो आपको मिले होंगे और बाकी टीम को वहां जरूर मिले होंगे, उसके चलते उन्होंने पहचाना स्पोर्ट्स तैयारी को सीधा सीधा, और तकरीबन उनसे काफी लंबी बात चली, उन्होंने भी साफ साफ था कि पता नहीं पाकिस्तान की टीम को इंडिया के सामने क्यों जाता है और इंडिया में जो मेहमान नवाजी मिल रही है, मतलब प्लेयर्स एक तरफ, अब जब वो खान चाचा आए उनका होटल में सिर्फ मैंने मिला, सभी इतने प्यार से मिल रहे हैं और इतना इस्तकबाल सब कुछ चल रहा है। अच्छा लेकिन जब से आपने देखा है मुझे थोड़ा सा बताइए कि पाकिस्तानी टीम की ट्रीटमेंट कैसी की गई है, बिकॉज मैंने कल से देखा है एयरपोर्ट पर आए बाबर बाबर के नारे लग रहे थे राइट, उसके बाद आप बाहर आए हैं, पुलिस वाले को आप देखिए शाहिन शाह अफरीदी से, जो हमारे पुलिस के उच्च अधिकारी हैं, यू नो सीनियर लेवल ऑफिसर हैं, कितने प्यार से मिले हैं खुद है ना जो पुलिस वाले हैं, और वो कितने प्यार से उनको एस्कॉर्ट कर रहे हैं, शाहिन के साथ जोक भी कर रहे हैं, बाबर को होटल में जब वो एंटर किए हैं इतने प्यार से वेलकम मिला है, सारी टीम्स को मिलेगा बट पाकिस्तान को मुझे लग रहा है और एक्स्ट्रा वेलकम, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी और एक्स्ट्रा तरीके की हॉस्पिटैलिटी यहां पर इंडिया प्रोवाइड कर रहा है, बीसीसीआई प्रोवाइड कर रहा है, एंड प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि ऐसी जो हॉस्पिटैलिटी है मुझे नहीं लगता कि किसी भी और टीम को मिलेगी इंक्लूडिंग टीम इंडिया। दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा है इंडियन मीडिया में ज़ाका अशरफ की नहायत ही फजूल किस्म की स्टेटमेंट पे काफी गमो गुस्सा पाया जा रहा है। ज़ाका अशरफ को पाकिस्तानी टीम का इंडिया में एयरपोर्ट पर पहुंचते ही शानदार स्वागत का जवाब मिल ही गया होगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें।